हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। तो एक्सेस के अंदर जो एसक्यूएल व्यू होता है उसमें हम बिटवीन जो ऑपरेटर है उसका यूज देखेंगे कि बिटवीन ऑपरेटर का क्या यूज है, कैसे उसको यूज करेंगे। तो बिटवीन एक प्रकार का क्या है, ऑपरेटर है एसक्यूएल के अंदर। तो आइए देखते हैं इसको कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल आपको दिख रही होगी, ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, ग्रॉस सैलरी है, यहाँ पे पीएफ का यहाँ पर देख सकते हैं पीएफ अमाउंट। तो सबसे जो है ज्यादा टोटल पेएबल है या फिर इस जगह से लेकर इस अमाउंट से लेकर इस अमाउंट तक, यानी इस तरह की अगर आपको कोई चीज देखनी हो तो आप बिटवीन क्वेरी का यूज कर सकते हैं, बिटवीन ऑपरेटर का यूज करके क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे होगा ये आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इम्प्लॉय डिटेल टेबल का नाम है, ये दिख रहा होगा आपको इम्प्लॉय डिटेल, ये दिख रहा है ना। तो इम्प्लॉय डिटेल क्या है, हमारे टेबल का नाम है। अब हमको एक क्वेरी बनानी है, तो क्वेरी बनाने के लिए कहां जाएंगे, सबसे अच्छी बात है एक्सेस में यहां पे क्रिएट पे जाएंगे क्वेरी बनाने के लिए। ये क्रिएट आपको दिख रहा होगा, क्रिएट पे चले जाइएगा और यहां पर क्वेरी डिजाइन मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये चूंकि 2021 यूज कर रहा हूं तो यहां पर आपको क्वेरी डिजाइन मिल रहा है, लेकिन अगर आप शायद 2007 यूज करेंगे तो यहां पर कहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना, लेकिन मिलेगा क्रिएट के ही अंदर। तो यहां से आप क्वेरी डिजाइन पे चले जाइए और जब जाते हैं तो ये सिनेरियो कुछ ऐसा आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से SQL पे चले जाएंगे, ये जो SQL दिख रहा है यहीं पे चले जाइएगा। अब ये सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ आ रहा है इसको हम हटाते हैं, यहां से हम खुद से टाइप करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, किसको किसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो यहां लिखेंगे सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट ही हमारा वो स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम सेलेक्ट करेंगे और एस्ट्रक लगाएंगे और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है ये भी हमें देना होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो टेबल का नाम है, मैंने अभी क्या बताया, एम्प्लॉय डिटेल, देखिए ये लिखा भी हुआ है, साइड में भी लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको जैसे लिखा गया है इसका नाम वैसे ही दे देना है, एम्प्लॉय डिटेल। तो एम्प्लॉय लिख करके अंडरस्कोर लगाइए और यहां पे DETAIL एम्प्लॉय डिटेल कर दिया। नाम लिखने में कहीं से कोई गलती मत कीजिएगा, कैपिटल स्मॉल का भी फर्क पड़ जाता है, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एंटर करके नीचे आते हैं, यहां पे लिखते हैं वेयर, वेयर यहां पे अब कंडीशन देंगे हम, ठीक है। तो अभी कंडीशन में क्या देंगे हम, कंडीशन में ये देंगे कि यहाँ देखिए ये एम्प्लॉय डिटेल है ना, तो टोटल पेएबल, तो टोटल पेएबल कितने से कितने के बीच में हम देखना चाहते हैं वही हमें देना है। तो यहाँ पे वेयर टोटल TOTAL अंडरस्कोर लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे पेएबल, तो टोटल पेएबल ये लिख दिया हमने और टोटल पेएबल। अब फिर यहाँ पे बिटवीन वाली क्वेरी लगानी है, तो बिटवीन यहाँ पे स्टेटमेंट हमको टाइप करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए बिटवीन इस तरीके से, कहां से कहां तक के बीच में, तो हम देखना चाहते हैं 12,000, यहां पे 12,000 दे दिया एंड एंड बीच में लगा दीजिएगा 15,000, 12,000 एंड 15,000 कर दिया इसको और यहां से इसे टर्मिनेट कर दीजिएगा। और ये जो टेबल है ना, ये टेबल क्लोज रहेगी, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपकी क्वेरी है, इसको अच्छे से देख लीजिए, यही क्वेरी है आपकी, ठीक है। और इस क्वेरी को लगाने के बाद यहां से आपको अब रन पे क्लिक करना, ये क्वेरी डिजाइन आपको दिख ही रहा होगा, तो यहां से सीधा रन पे जाना और क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहां देखिए टोटल पेएबल, अब देख एक बार चेक करना होगा ये जो टोटल पेएबल हमने लिखा है वो ठीक से लिखा गया है कि नहीं, क्योंकि यहां पर पैरामीटर वैल्यू ये मांग रहा है, इसका मतलब कि हमने ये टोटल पेएबल जो लिखा है वो ठीक से नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए ये मांग रहा है। तो यहां पर देखिए, और अमाउंट भी साथ में था तो अमाउंट छूट गया है, तो हमको अमाउंट भी लिखना होगा, ठीक है ना। तो टोटल पेएबल अंडरस्कोर लगा के अमाउंट भी लिख देता हूं यहां पे, AMOUNT टोटल पेएबल अमाउंट हो गया। अब जब इसको चलाएंगे तो हमारी क्वेरी चलेगी और चलने के बाद क्या होगा, यहां पर केवल 12,000 से लेके 15,000 के बीच के सैलरी की डिटेल सामने आएगी। तो यहां पे देखिए इसको चला दिया हमने और 12,000 से 15,000 के बीच में कोई भी टोटल पेएबल अमाउंट है नहीं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर देखिए ये 21,000 है, 22,000 है, 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज करते हैं, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पर SQL व्यू पर और यहाँ पे ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं 17,000 कर देते हैं, 17,000 ये देखिए ये हुआ, और 17,000 से लेके कहां तक करेंगे 22,000 तक, ठीक है, या 20,000 तक करते हैं 20,000, तो ये 20,000 तक कर देते हैं। और अब जब इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ रिजल्ट इस तरीके का आता है। तो देखिए उसी के बीच के तीन लोग हैं, एक मनोज है, कुमुद है, एक रामेंद्र है, तो ये तीन लोग हैं। अब देखिए इसमें कई लोग हैं जिनकी सैलरी 21,250, 22,950, 18,700, 25,000, ये देखिए 25,000 तक है सैलरी, लेकिन हमने यहाँ पे क्वेरी में क्या दिया है, क्वेरी में हमने यहाँ पे ये दिया है, देखिए यहाँ पर ये हमने दिया 17,000 से लेके 20,000 के बीच में,
तो जो भी इसके बीच में आएगा उन्हीं की सैलरी ये बताएगा हमें, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी के साथ ये क्वेरी बना सकते हैं। इस तरह की किसी और चीज में भी इसे प्रयोग करना हो तो कर सकते हैं। मैं इस क्वेरी को सेव करता हूं, इस पर आधारित एक और क्वेरी आपको लगा के दिखाता हूं, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल क्वेरी के नाम से, इसे सेव कर देता हूं इस क्वेरी को, ठीक है, और इसको क्लोज करता हूं। अब मान लीजिए दूसरी क्वेरी है, तो इस बार हमको क्या पता करना है, इस बार हमको पता करना है पीएफ अमाउंट, ठीक है। तो पीएफ अमाउंट हम पता करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहां से क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे जाने के बाद क्या करना है, यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद एसक्यूएल व्यू पे जाना है। यहां पर सेलेक्ट लिखा हुआ ही रहा है, सेलेक्ट लिखेंगे, और जैसे वहां पर किया था हमने पहले वाली क्वेरी में बिल्कुल वैसे ही इसमें भी करेंगे। एस्ट्रेक सिंबल यानी मल्टीप्लाई वाला साइन लगाएंगे, और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है वो देखना है। तो एम्प्लॉय डिटेल नाम है हमारे टेबल का, EMPLOYEE एम्प्लॉय, और यहाँ पे अंडरस्कोर डिटेल, तो ये एम्प्लॉय डिटेल दे दिया हमने। और एम्प्लॉय डिटेल देने के बाद ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे फॉर्म लिखने के बाद ये गैप रहेगा, तो गैप देना मत भूलिएगा, ठीक है। एंटर करके नीचे आते हैं, वेयर कंडीशन देंगे, ठीक है। तो कंडीशन में क्या दे देते हैं हम, इस बार कंडीशन में दे देते हैं हम, यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा पीएफ अमाउंट, तो पीएफ अंडरस्कोर अमाउंट लिखा हुआ है, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही देना है, पीएफ अंडरस्कोर AMOUNT पीएफ अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे, तो ये बिटवीन लगा दिया। अब कहां से कहां तक के बीच में, तो यहां पे कहेंगे हम 3200 से लेकर, ये 3200 हो गया, एंड लगाएंगे बीच में 3500 हो गया 3500, ठीक है। और यहां से इसे टर्मिनेट करेंगे, और अब इस जो टेबल थी हमारी इसको क्लोज कर देते हैं, और यहां से क्वेरी पे जाके इसको रन करवाएंगे। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर देखिए 3200 से लेकर 3500 के बीच में यही है, एक 3300 है और एक 3350 है, ठीक है। यहां पर जब आप उठाते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई 3700 है, कोई 4000 है, तो यहां देखिए 3300 वाला और 3000 तो आएगा नहीं, 3200 तो ज्यादा ही है, ठीक है, तो ये 3450 आएगा। तो यही दो अमाउंट आए हुए हैं, इसी तरीके से आप क्वेरी बना सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्वेरी कैसे बनानी है। इसी को ग्रॉस सैलरी पर यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, वही चीज है, सेम तरीका, ठीक है। इसको मैं पहले सेव कर देता हूं यहां से, Q2 के नाम से क्वेरी 2, ठीक है, ये सेव कर दिया। अब यहां पर क्या करना है, क्रिएट पे जाना है, क्रिएट पे जाके फिर क्वेरी डिजाइन पे जाना है, और क्वेरी डिजाइन पे जाने के बाद यहां से हमें एसक्यूएल पे चले जाना, और यहां पे सेलेक्ट करेंगे, क्या सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा जो टेबल है उसी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट एस्ट्रेक फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल है, तो यहां से एम्प्लॉय और फिर यहां पे अंडरस्कोर लगा के डिटेल, तो ये हो गया एम्प्लॉय डिटेल। और वेयर यहां पे कंडीशन देंगे, वेयर कर दिया हमने, क्या चीज है यहां पे देखना होगा, ये देखिए ये फील्ड का नाम क्या है, ग्रॉस अंडरस्कोर सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी बिटवीन करेंगे, क्या करेंगे, ग्रॉस सैलरी बिटवीन, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं ग्रॉस GROSS, जैसे लिखा गया वैसे लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। सैलरी ये हो गया सैलरी, ग्रॉस सैलरी, और यहाँ पे बिटवीन जो हमारा ऑपरेटर है उसको लिखना है। अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी देख लेते हैं कितने से कितने के बीच है, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे, जैसे 25, 27, 22, 30, 20, 23, तो हम 20 से 23 के बीच की देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 से 23 के बीच में कर देते हैं, तो यहाँ पर वापिस आते हैं अपने क्वेरी पर, और यहां पर 20,000, ये 20,000 और एंड लगा देते हैं 23,000, तो 20,000 और 23,000 के बीच की सैलरी ये दिखाएगा। और यहां से अब क्या करना है, इसको रन करवाना है, तो सबसे पहले तो ये जो टेबल बनी हुई है इसको क्लोज कर देंगे, क्वेरी 2 को भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें सिर्फ इसी क्वेरी की जरूरत है, और यहां से रन पे क्लिक करना है। ये रन दिख रहा है आपको, तो ये रन हुआ, तो देख सकते हैं सिर्फ वही ग्रॉस सैलरी आपको दिखाई पड़ रही है जो 20 से 23, कितना दिया था हमने क्वेरी में, क्या दिया था, देखिए यहाँ पर 20 से लेके 23 के बीच की, ठीक है। तो रन कराने पे वही दिख रहा है, 20 से लेके 23 के बीच वाला ही दिख रहा है, क्योंकि पूरा टेबल तो हमारा ये है, और इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक 25,000 है, 27,000 है, ठीक है, 22,000 भी है, 30,000 भी है, लेकिन 20 से लेके और 23 के बीच की चीजें दिख रही है, ठीक है ना। तो आई होप की बात समझ में आई होगी, ठीक है।